देवरिया में कोचिंग पढ़ने आए छात्र की कुछ युवकों ने पीट पीट कर हत्या कर दी और छात्र की बाइक को भी तोड़ दिया। छात्र के दोस्तों ने एक युवक को पकड़ा और उसकी धुनाई कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये आज सवेरे एक कोचिंग में, एक गांव का देहात का ही कोचिंग है, मालीवारी गांव पड़ता है, कोतवाली थाना क्षेत्र, वहाँ पर कुछ लड़के कोचिंग करने के लिए आए थे और सीट पे कोचिंग क्लासेस में आगे बैठने के विवाद को लेके दोनों लड़कों में आपस में झगड़ा हो गया और उसी झगड़े में एक लड़के के चोट ज़्यादा लग गई। 17 साल उसकी उम्र है, 12वीं क्लास में पढ़ता है और वो वही बंजरिया गांव है, दोनों थाना क्षेत्र में वहीं का रहने वाला है। उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। इसमें पुलिस द्वारा बड़ी सख्त कार्रवाई की जा रही है और उसमें से एक अभियुक्त जो उसी कोचिंग में पढ़ने जाता था उसको पकड़ लिया है। बाकी 3 अभियुक्त उसमें और हैं, उनको पकड़ने के लिए टीम बनाकर प्रवेशें दी जा रही हैं और बहुत जल्दी ही भी पकड़े जाएंगे और उनको एग्जेम्पलरी कार्रवाई उनके खिलाफ। सर, इसमें पिटाई का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, क्या उसकी इसका है? वीडियो भी मैंने नहीं देखा है, मैं उसके विषय में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि आपस में झगड़ा हुआ, उसे झगड़े के दौरान उसके ज़्यादा चोट लग गई और इलाज के दौरान उस बच्चे की मृत्यु हो गई। दुखद है, लेकिन हम लोग उसको त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं। कोचिंग सेंटर क्या नाम था सर? कोचिंग सेंटर का कोई नाम नहीं था, गाँव देहात के जो ट्यूशन पढ़ाने वाले लोग हैं, मतलब उस तरीके से कोई ऐसा संस्थागत कोचिंग सेंटर नहीं था, गांव का एरिया था और कोई बहुत बड़ा नामी ग्रामीण कोई कोचिंग नहीं था। आपस में जो कुछ लोग पढ़ाते हैं और उसी टाइप का एक छोटा सा कोचिंग सेंटर था, उसमें कुछ आसपास के गांव के बच्चे पढ़ने आते थे, उसी में सीट पर बैठने को लेकर के विवाद में तत्काल नहीं हुई है। कोचिंग सेंटर भी हो गया सर, हो गया जिला अस्पताल। वहाँ पे सुबह में वो कोचिंग पढ़ने गया, 5 लड़के मिल के अहिल्यापुर से उसको मार डाले। कौन कोचिंग पढ़ने गया था? रंजीत सिंह, मेरा छोटा भाई। पुराना रंजीत सिंह था क्या? ऐसा पुराना कोई झगड़ा विवाद था क्या? नहीं, कोई पुराना झगड़ा नहीं था। कैसे मारे हैं सर? वो मिट्टी में घिसित घिसित के मारे, पेड़ से। कितने लोग? बाइक चढ़ा दिए ऊपर। कितने लोग? 5। आप कौन हैं? हम उनके चाचा के लड़के हैं। क्या नाम है आप? ईश्वर सिंह। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहेंगे जो किया है उसको सजा मिलना चाहिए।